आज का अर्थव्यवस्था का टॉपिक है भारत में आर्थिक सुधार या भारत में आर्थिक सुधारों का स्वरूप। इस पर मैं आज आपको एक निबंध समझाती हूँ जिसमें कुछ टर्म्स आएंगे समझाने के, तो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। भारत में जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट और अधिक व्यापक रूप से लागू की गई, यानी कि 1991 से हमारे देश में आर्थिक सुधार लागू कर दिए गए थे। इसके अंतर्गत एलपीजी तीन शब्द हैं जो आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन। एल पी और जी तीनों का योग करके तीन शब्द बनते हैं जो हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन तीन शब्दों के आधार पर हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ परिवर्तन किए गए। इन परिवर्तनों से जुड़े हुए विभिन्न कार्यक्रम हमारे देश में लागू किए गए जो है हमारी पूरी उदारीकरण की प्रक्रिया। 1991 से पहले देश में लाइसेंस, परमिट और अभ्यंस, ये तीनों चीज़ें जो थी विदेशी व्यापार से संबंधित, ये तीनों चीज़ें जो थी इनका राज फैला हुआ था, यानी कि हमें विदेशों से व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिट लेना पड़ता था और कोटा फिक्स होता है। कोटा क्या होता है? फिक्स होता है, वो एक डिटेल चैप्टर है, मैं बाद में आपको पढ़ा दूंगी कि कोटा फिक्स होता है कि आप इस सामान का इतना ही व्यापार कर पाएंगे। एक संधि होती है, वो एक डिटेल चैप्टर है, तो कोटा की बात अभी नहीं करते हैं। हम बात करते हैं कि ये हमें विदेशों से व्यापार करने को रोक रहे थे। अनेक प्रकार के आर्थिक नियंत्रण जो थे हमारे देश में व्याप्त थे। नौकरशाही का बोल बाला था और अर्थव्यवस्था जो थी वो बंद अर्थव्यवस्था थी। बंद अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? जिसमें विश्व के अन्य देशों के साथ हमारा कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो बात करते हैं कि उदारीकरण की हवा जो थी वो देश में कैसे आई। अर्थव्यवस्था में जो है ये 1991 के जो सुधार चालू हुए थे इनसे उदारीकरण की हवा बहने लगी थी। भारत के समक्ष जो था आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, क्योंकि विदेशी विनिमय कोष की मात्रा केवल 2 सप्ताह के आयात के लायक रह गई थी। मुद्रास्फीति की दर भी बढ़कर 2 अंकों में आ गई थी और बजट घाटा जो था वो बढ़ गया था। भारत की आर्थिक साख को भारी खतरा उत्पन्न हो गया था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उदारीकरण का नया मार्ग अपनाया था, जिसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम, स्थिरीकरण कार्यक्रम और ढांचागत समायोजन कार्यक्रम अपनाए गए थे। स्थिरीकरण कार्यक्रम अल्पकालीन होता है और इसका जोर मांग प्रबंधन पर होता है, ताकि मुद्रास्फीति और बजट घाटे को नियंत्रित किया जा सके ढांचागत समायोजन कार्यक्रम मध्यकालीन होता है। मध्यकाल आप समझते हैं, जब मेरे और चैप्टर्स तीन तरह के काल होते हैं तो पहले अल्पकालीन होता है, फिर मध्यकालीन होता है और फिर दीर्घकालीन होता है। तो ढांचागत समायोजन कौन सा था? मध्यकालीन होता था। मध्यकालीन समायोजन में किस पर ध्यान दिया गया? पूर्ति प्रबंधन पर बल दिया जाता है, तथा सभी आर्थिक क्षेत्रों जैसे राजकोषीय क्षेत्र के अलावा उद्योग, विदेशी व्यापार, वित्त, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, सामाजिक क्षेत्र आदि सभी में व्यापक परिवर्तन और सुधार करके अर्थव्यवस्था को अधिक कार्यकुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रयास किया जाता है, ताकि वह विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ सके और उसमें अधिक खुलापन और कार्यकुशलता आ जाए। स्मरण रहे कि आर्थिक सुधारों का एक पक्ष आंतरिक होता है और दूसरा पक्ष बाह्य होता है। आंतरिक पक्ष में अर्थव्यवस्था को आंतरिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है।
जैसे कृषि है, उद्योग है, परिवहन आदि का विकास किया जाता है और बाह्य रूप में वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जाता है जिसके अंतर्गत विदेशों से व्यापार है, विदेशी पूंजी है और विदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन भारत ने यह कार्य अनियंत्रित तरीके से नहीं करके सीमित गुण आधारित और चयनित तरीके से करने की नीति अपनाई, यानी इसको बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अपनाया गया जिसे कैलिब्रेटेड ग्लोबलाइजेशन की नीति कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आप ध्यान कर लीजिए, कैलिब्रेटेड ग्लोबलाइजेशन की नीति किसे कहा जाता है, जिसमें हम सिस्टमेटिकल ढंग से कोई भी नीति का अपने देश पर हम लागू करते हैं। इसके अंतर्गत विदेशी सहयोग लेते समय यह देखा जाता है कि इससे स्वदेशी उद्योगों को कोई क्षति तो नहीं पहुँचेगी। वैश्वीकरण के अंधाधुंध उपयोग से घरेलू उद्योग खतरे में पड़ सकते हैं, इसलिए आवश्यक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विकसित और विकासशील देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। विदेशी व्यापार मेनली किससे होता है, देखिए यहाँ पर हम विकसित देशों से अपना उदारीकरण जो है वो जोड़ करके चल रहे हैं। दोनों की विकास की क्षमताएं और विकास की संभावनाएं तथा टेक्नोलॉजी के स्तर दोनों में काफ़ी अंतर पाया जाता है, इसलिए आर्थिक सुधारों को लागू करने के क्रम में गति और विस्तार में विकासशील देशों को पूरी सावधानी का काम में लेना पड़ता है ताकि वे इनसे लाभ प्राप्त कर सकें और उनकी खुद की अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं पहुँचे। 1991 के बाद से देश में केंद्र सरकार ने सभी सरकारों ने आर्थिक सुधारों को जारी रखने का संकल्प दोहराया है और इनका महत्व भी समझा है। NDA राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार ने भी अपने कार्यकाल 1999 से 2004 में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया जो थी उसको जारी रखा था और वर्तमान सरकार ने भी आर्थिक सुधार में अपना भरसक प्रयास किया है, लेकिन उसको अपनी आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ क्षेत्रों में 2004 तक के कार्यकाल को आर्थिक सुधारों का प्रथम चरण कहा जाता है, यानी 1991 से शुरू हुए थे और 4 तक के जो है इसको प्रथम चरण कहा जाता है, उसके बाद के कार्यकाल को द्वितीय चरण की संज्ञा दी जाती है। लेकिन इस तरह के कट ऑफ बिंदु जो हैं इनका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार, देखिए सरकार चेंज होती है तो एक पॉइंट्स बना देते हैं कट ऑफ के, लेकिन जो इस तरह के सुधार हैं जो वो सतत चलते चले आ रहे हैं इनका हम कोई कट ऑफ पॉइंट नहीं बता सकते हैं। आर्थिक सुधार की बात करें तो प्रत्येक आर्थिक समस्या जो है शीघ्र और समुचित हल निकालने की तरफ हम अपने देश के लिए बात कर सकते हैं, अग्रसर हो सकते हैं, लेकिन ज्ञात रहे कि 1991 में आर्थिक सुधार संकट चालित थे, यानी तब हमारे सामने सारी जो समस्याएं थी, हमारा घाटा था, बजट घाटा था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी, विदेशी व्यापार कम हो रहा था, कोटा था, मुद्रास्फीति थी, तो ये सब चीज़ें जो थी हमें हमारे सुधार जो थे वो संकट से चल रहे थे, संकट से नियंत्रित थे, यानी उनका हमारे आर्थिक सुधारों पर अपना उनका नियंत्रण स्थापित था। लेकिन भविष्य में सहमति चालित होंगे, यानी धीरे धीरे जब टाइम निकलेगा तो ये अपने आप ऑटोमेटिक जो है हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार जो है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए सुधरते चले जाएंगे, इसलिए इनके प्रति आम स्वीकृति और आम विश्वास आवश्यक होंगे जिनकी लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और विविधतापूर्ण समाज में अपेक्षा की जाती है। संभवतः भारत में अभी तक आर्थिक सुधारों की विफलता या कम सफलता का एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि ये सुधार जो थे वो जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाए, जैसा कि चीन में पाया गया है। हमें लोकतांत्रिक परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक सुधारों को एक नया सुदृढ़ आधार प्रदान करना होगा। आर्थिक सुधारों के प्रति एक स्पष्ट और व्यापक राजनीतिक सहमति बनानी होगी। रोज